जल्दी सुनिए ना। अबे कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को देने के लिए, जाया से। दीदी ये आपके पास फल है तो सही, मैंने कुछ नहीं खाया कई दिन से, आप फल दे दो। अबे ओ मैंने ठीक ले रखा है क्या तुम भिखारियों को खिलाने का? मैंने कहा ना नहीं। दीदी मुझ गरीब की मजबूरी समझो। क्या बकवास किए जा रहा है, मैंने कह दिया ना नहीं है मेरे पास कुछ। दीदी आप मुझे खाने के लिए पैसे नहीं दे रही तो इनमें से एक फल दे दो ना। एक चाटा मारा ना अकल आ जाएगी, कितना टाइम हो गया बकवास करते हुए, उसे मना किया ना। दीदी ऐसे नहीं देंगी फल, मुझे छीन कर ही खाने पड़ेंगे। दो कौड़ी के भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से फल छीन के खाने की? दीदी मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी, इस मारो मैंने छीन कर खा लिया, मुझे माफ कर दो। अच्छा तुझे भूख लगी थी तो तू ऐसे छीन कर खाएगा केला? दो कौड़ी के भिखारी आगे से ना मुझे दिख मत जाना, समझ गया तू? बच्चा क्यों रो रहा है, चलकर देखता हूँ। अरे छोटू क्या हुआ और तू ऐसे रो क्यों रहा है? भैया बहुत तेज भूख लगी है, एक मेम साहब फल लेकर जा रही थी, मैंने फल छीन कर खा लिया तो बहुत मारा मुझे। क्या भाई उस लड़की ने तुझे बहुत मारा? हाँ भैया। तू इस तरह सड़कों पर घूमने से अच्छा कहीं काम क्यों नहीं कर लेता? भैया इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और मैं क्या ही काम कर सकता हूँ। तू काम कर सकता है, तू ना मेरे साथ चल, मैं पहले तुझे कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर हम बात करेंगे। ठीक है भैया। भाई पेट तो भर गया ना तेरा? हाँ भैया पेट तो भर गया। चल अच्छी बात है, वैसे तू मुझे ये बता तू कितने टाइम से सड़कों पर भीख मांग रहा है? भैया हमेशा से। देख भाई लोगों के सामने इस तरह हाथ फैलाने से कुछ नहीं होता, वो ना हमारी बेइज्जती ही करते हैं, तू ना कुछ काम धंधा कर ले। भैया मैं क्या कर सकता हूँ, ना मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं और रहने के लिए घर। देख तू ना मुझे एक अच्छा बच्चा लगा, मैं चाहता हूँ तू कुछ काम करे। भैया काम तो मैं भी करना चाहता हूँ पर मैं मजबूर हूँ। भाई मैंने कुछ सोचा है, मैं ना तुझे फलों का ठेला खोल कर दे देता हूँ, फिर तू वहीं पर मेहनत करना, कम से कम फिर तुझे भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। क्या भैया आप मेरे लिए इतना सब कुछ करोगे? हाँ क्योंकि मैं ना तेरी इस तरह जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता सड़कों पर। कल ना मैं तेरा ठेला लगवा दूंगा, फिर तू वहीं पर रहकर मेहनत करना। ठीक है भैया। चल ठीक है तू आराम कर मैं आता हूँ। देख भाई आज से ना तू यहाँ काम करेगा, मैंने तेरा फलों का ठेला लगवा दिया, आज से ना तू मेहनत से काम करना। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे भाई धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस तुझे राह दिखाई है, कामयाब होना तो तेरे हाथ में है। भैया आप फिक्र मत कीजिए मैं दिल से काम करूंगा। चल ठीक है तू अपना ध्यान रखना, मैं भी अपने काम पे जाता हूँ।
तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज। एक तरबूज दे दियो। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। अरे ये सामने ठेला किसने लगा दिया तरबूज का? चलो किसी ने भी लगाया, अच्छा किया। वैसे भी मेरे घर वालों ने तरबूज मंगाए थे, यहाँ इसी ले जाती हूँ। अरे वाह, तरबूज तो अच्छे हैं। ओए तरबूज वाले, कितने को दिए हैं तरबूज? अरे एक मिनट, तू तो वही बच्चा है ना जिसने कल मेरे फल छीन के खाए थे? हाँ मैम साहब। अरे तू तो भीख मांगता था ना, फिर तूने इतनी अच्छी तरबूज की रेडी कैसे लगा ली? तुम गरीब लोग ना होते कुछ हो और दिखते कुछ हो, तुम तो बस गरीब होने का नाटक करते हो। मैम साहब मैं तो गरीब ही हूँ, और हाँ ये रेडी मुझे और किसी ने लगवाई है, ये मैंने अपने पैसों से नहीं लगाई। अरे बकवास बंद कर, मुझे अच्छे से पता है तेरे जैसे लोगों का। वैसे ये बता, ये तरबूज तो सही है ना? मैम साहब ये तरबूज बहुत अच्छे हैं और एकदम ताजी हैं, आपको बताओ आप कितने लोगे? मुझे ना 2 किलो का तरबूज चाहिए, और तरबूज ना अच्छा होना चाहिए। ठीक है मैम साहब, ये लो मैम साहब, ये तरबूज बहुत अच्छा निकलेगा। अबे मैं कैसे मालूम, ये पका हुआ तरबूज है, इसे ना काट कर दे। ठीक है मैम साहब, काट के दिखाता हूँ। ये लो मैम साहब, ये बिल्कुल पका हुआ तरबूज है। अबे क्या कहा, ये पका हुआ तरबूज है? मुझे तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा ये पका हुआ तरबूज है। चल बे इधर ला। रब्बा बे। मैम साहब आप मेरा नुकसान क्यों कर रही हो? आपको ये तरबूज कच्चा लगा था तो मैं आपको दूसरा दे देता। क्या कहा, दूसरा तरबूज देगा? ये ना तेरे सारे तरबूज ही खराब है, इस तरह कोई फल बेचता है क्या? चल अब तू ना मुझे ये वाला तरबूज काट के दिखा। ठीक है मैम साहब। ये लो मैम साहब, बिल्कुल पकोया तरबूज निकला। हाँ ये एकदम पका हुआ तरबूज है। ये लीजिए मैम साहब। ठीक है। अरे मैम साहब रुकिए, मैम साहब पैसे दे दो मेरे। क्या कहा, मैं पैसे दे दूँ? तुझे पता है मैं लेकर भी जा रही हूँ ऐसे तरबूज, वरना ये ना ठेले पे रखे रखे खराब हो जाएंगे। मैम साहब अगर आपको तरबूज खराब लग रहे हैं तो मत लेकर जाओ ना, अगर लेकर जा रही हो तो पैसे भी देकर जाओ। नहीं दूंगी मैं पैसे, खराब चीजों के भला पैसे दिए जाते हैं क्या? मैम साहब मुझे नहीं बेचना आपको तरबूज, मेरा तरबूज इधर दो। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से तरबूज लेने की? मैम साहब आप मेरी पहली ग्राहक हो, आप ऐसे क्यों कर रही हो? बकवास ना बंद कर, और आगे से मेरे सामने बोलने की जरूरत मत करना।
अरे क्या हुआ भाई, और तू रो क्यों रहा है? और ये तरबूज किसने फोड़ दिए? भैया एक मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरे तरबूज भी फोड़ दिए और फ्री में तरबूज भी ले गई। अरे कितनी बदतमीज लड़की थी वो, उसे दिखाई नहीं दिया, वो कितना नुकसान करके चली गई। भैया मेरी तो कुछ गलती भी नहीं थी, वो फिर भी मेरे साथ ऐसा कर गई। भैया हमारे साथ अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई इन्हें पता नहीं है ना, दो वक्त की रोटी कितनी मेहनत से कमाई जाती है। भैया ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। चल छोड़, अब तू ना घर चल, बहुत टाइम हो गया तू ठेले पे खड़े हुए, तू रोटी खा के वापस आ जाना। ठीक है भैया चलो। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। ये 20 रुपए तरबूज दे दियो। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे मीठे तरबूज। अरे आज मैं घर पे कुछ खा के भी नहीं आया था, भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे अभी कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, मैं तरबूज खा लेता हूँ। अरे क्या बात है गरीब ठेले वाले, तू तरबूज बेचने के टाइम पे तरबूज खा रहा है? माफ कीजिए साहब, मुझे भूख लगी थी तो इसमारो खाने लग गया था। आप बताओ आप कितने तरबूज लोगे? मुझे तो एक तरबूज चाहिए, वो भी 1 किलो का। ठीक है साहब देता हूँ, ये लो साहब। और सुन, मुझे ना ये तरबूज यहीं पर खाना है, इसको काट कर दे। ठीक है साहब। अरे यार ये कितना खराब तरबूज था, एकदम बासी, इसमें तो मिठास थी ही नहीं। साहब जी मैंने आपको तरबूज तो अच्छा ही दिया था। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये है मेरे हाथों में तरबूज आके खराब हो गया? साहब जी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। चल ज्यादा मत बोल, ये पकड़ अपने तरबूज के पैसे। साहब ये क्या दे रहे हो आप, आपको पता नहीं है तरबूज का भाव कितना है? हाँ पता है मुझे, लेकिन तरबूज इतने महंगे नहीं है जितने तू सोच रहा है। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे पूरे पैसे दे दो, 50 रुपए किलो बिक रहे हैं तरबूज। पैसे चाहिए तुझे, रुक अभी देता हूँ। मैंने पैसे तुझे प्यार से दे रहा था, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे रोक मत लेना वरना सारे पैसे दे दूंगा तुझे। क्या हुआ भाई, और तू इस तरह उदास क्यों बैठा है, और तू ठेले पे से इतनी जल्दी क्यों आ गया? भैया मैं उस ठेले से परेशान आ चुका हूँ। लेकिन क्यों? भैया मैं रोज ठेले पर जाता हूँ,
कोई भी ग्राहक तरबूज के पैसे नहीं देकर जाता, और तो और मेरे नुकसान भी कर जाते हैं। भाई ये दुनिया वाले कैसे हैं, किसी से भीख मांगो तो भी परेशान करते हैं, और मेहनत से काम करो तो भी परेशान करते हैं। आखिर गरीब आदमी करे तो करे क्या। भैया मैं बहुत परेशान हूँ। तू ज्यादा टेंशन मत ले, कल ठेला लगाने मैं जाऊंगा, क्योंकि तुझे बच्चा समझ के ना सब परेशान करते हैं। ठीक है भैया, जैसा आप सही समझो। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए खाना बना देता हूँ। ठीक है भैया। तरबूज ले लो, तरबूज ताजी मीठे तरबूज, तरबूज ले लो, तरबूज ताजी मीठे तरबूज, तरबूज ले लो, तरबूज ताजी मीठे तरबूज। अब कौन है तू? साहब आपको चाहिए क्या ये बोलो। वो सब छोड़, तू ये बता यहाँ जो कल बच्चा तरबूज बेच रहा था वो कहाँ है और तू कौन है? वो मेरा भाई है, और उसकी ना आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आया हूँ ठेले पर। अच्छा चल कोई बात नहीं, एक तरबूज दे जल्दी से अच्छा सा। ठीक है साहब, ये लो। अरे रुकिए साहब, कहाँ जा रहे हो आप? मेरे तरबूज के पैसे तो दे दो। मैं कौन से पैसे और किस चीज के पैसे, तुझे पता नहीं है मैं हमेशा फ्री में तरबूज ले जाता हूँ, तुझे तेरे भाई ने बताया नहीं है क्या? साहब वो बच्चा है, उसे नहीं पता पैसे लेने चाहिए या नहीं। अच्छा तो इसका मतलब तुझे पैसे चाहिए। साहब ये तरबूज में फ्री में थोड़ी लेकर आता हूँ, पैसों में लेकर आता हूँ, इसलिए ना आपको पैसे तो देकर जाने पड़ेंगे। अच्छा तो तुझे पैसे चाहिए, अगर मैं पैसे ना दूं तो? साहब कैसी बात कर रहे हो आप, किसी गरीब का पैसा खाना अच्छी बात थोड़ी ना होता है, हम भी तो यहाँ दोपहर में मेहनत कर रहे हैं ना। तू ना ज्यादा पैसे पैसे कर रहा है, तुझे शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ। साहब आप बात को क्यों बढ़ा रहे हो, 50 रुपए की तो बात है, आप मुझे 50 रुपए दे दो और चले जाओ यहाँ से। देख मुझे बात बढ़ाने में ना मजा आता है, और मैं बात बढ़ाऊंगा। साहब आप इतने पैसों के लिए क्यों मच मच कर रहे हो, दे जाओ ना पैसे। नहीं देकर जाऊंगा, बोल क्या करेगा। तो मैं आपसे पैसे जबरदस्ती ले लूंगा। साहब मैं आपसे प्यार से पैसे मांग रहा था, और आप मुझ पे हाथ उठा रहे हो, जिस तरह आप मुझ पे हाथ उठा रहे हो ना मैं भी उठा सकता हूँ आप पर। अच्छा तो तुम मुझ पर हाथ उठाएगा? अरे ये भैया किससे लड़ रहा है? तुझे मारने का शौक चढ़ा ना, आ मार मुझे। साहब इसे ना आप नीचे कर लो, मेरा एक छोटा भाई है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। ये तो नीचे नहीं होगी, अब तू ना मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते। ये ज्यादा जवान चला रहा था इसलिए इसको खत्म कर दिया। तुमने मेरा भाई को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे गिराया, बहुत शौक है ना तुझे तरबूज बेचने का, अब बेचना तू तरबूज। अगर मिले खुदा तो मुझे देखे मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे साहब ये आपने क्या कर दिया, मेरे भाई को गोली मार दी और मेरे सारे तरबूज फोड़ दिए। देखा एक झटके मैंने तुझे बर्बाद कर दिया, आगे से ना मेरे से टकराना मत, समझा तू।
ये तो ब्रजेश का भाई है, यू रो क्यों रिया है? अरे छोटू तू रो क्यों रिया, क्या हुआ? भैया मैं बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद हो गया? ब्रजेश कहाँ है, मैं तो उससे मिलने आया हूँ। भैया इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या कह रहा है तू, ये सब कैसा हुआ मेरे साथ? भैया ये सब हुआ था मेरे साथ। ये उसने क्या कर दिया तेरे और तेरे भाई के साथ? भैया उसने मेरे भैया को बहुत बुरी तरह मारा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तू बदला जरूर लेगा और मैं दूंगा तेरा साथ। लेकिन भैया आप मेरा साथ कैसे दोगे? देख मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तुझे इसका भी बनाऊंगा जो किसी के भी सामने खड़ा हो सके। क्या भैया आप सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, चल मेरे साथ। अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए? मैं ना आई एस ऑफिसर हूँ इस शहर का। क्या सर आप आई एस ऑफिसर हो, बताइए कैसा आना हुआ मेरे घर पर? मैं तेरे घर तेरे पापा की सजा देने आया हूँ। मतलब? मतलब ये जिस तरबूज वाले को मारा था ना वो सीखा भाई हूँ और मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है और तुम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो? वो तो मेरी किस्मत ने साथ दिया जो मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखो जो भी कुछ पहले हुआ तुम उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं, तुमने मेरे भाई को मेरे आंखों के सामने मारा था। देखो मुझे इस टाइम पर ना सही गलत का कुछ भी पता नहीं था, मैंने अनजाने में गोली चला दी। अगर मुझे पता होता तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे भाई की जिंदगी ली है, तुझे तो सजा मिलकर रहेगी। मैं तुमसे माफी मांगता रहूं इस चीज की। बकवास बंद कर, अब जेल में मांग ले माफी। You already know. We rock.